हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इस सेशन में हम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड पावर प्लांट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसी सब्जेक्ट से 1 to 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आगे के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। द पोर्शन ऑफ इंस्टॉल्ड रिजर्व केप्ट इन ऑपरेबल कंडीशन बट नॉट प्लेस्ड इन सर्विस टू सप्लाई द पीक लोड इज नोन एज व्हाट। कहा गया है कि इंस्टॉल्ड रिजर्व का कुछ पोर्शन जिसे ऑपरेशन में रखा गया है लेकिन इट इज नॉट प्लेस्ड इन सर्विस, तो ऐसे रिजर्व को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, कोल्ड रिजर्व एंड हॉट रिजर्व। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, हॉट रिजर्व। हॉट रिजर्व वो रिजर्व कैपेसिटी होती है जिसे कि ऑपरेशन में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पे इमीडिएटली उसको यूज किया जा सकता है। पीक लोड के टाइम पे जो रिजर्व कैपेसिटी है उसे चार तरीके से हम स्टैंड बाय पे रखते हैं, ऑपरेटिंग रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, कोल्ड रिजर्व एंड हॉट रिजर्व। ऑपरेटिंग रिजर्व क्या होता है, जब एक्सेस पीक लोड है तब जो रिजर्व कैपेसिटी को हम लोड को सप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो रिजर्व एट दैट टाइम सर्विस में है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग रिजर्व। नेक्स्ट इज स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व वो रिजर्व कैपेसिटी होती है जिसे बस बार से कनेक्टेड रखा जाता है एट नो लोड। कहने का मतलब कि कुछ मशीन्स को यानी कि कुछ अल्टरनेटर्स को नो लोड कंडीशन पे बस बार से कनेक्ट कर दिया जाता है और इंस्टेंटेनियस पीक लोड के टाइम पे ये मशीन्स इमीडिएटली लोड को सप्लाई करना स्टार्ट कर देती हैं। और एक होता है हॉट रिजर्व। हॉट रिजर्व इज दैट रिजर्व कैपेसिटी विच कैन बी मेड अवेलेबल क्विकली। इस रिजर्व कैपेसिटी को ऑपरेशन में रखा जाता है और अकॉर्डिंग टू द डिमांड विद इन नो टाइम इसे सर्विस में लाया जा सकता है। मीन्स कि ये रिजर्व कैपेसिटी रेडी टू यूज होती है, इसे हम इमीडिएटली बस बार से कनेक्ट कर सकते हैं टू सप्लाई द पीक लोड। कोल्ड रिजर्व वो रिजर्व कैपेसिटी होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल तो है लेकिन उसको हम इमीडिएटली बस बार से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स इस रिजर्व कैपेसिटी को ऑपरेशन में लाने के लिए कुछ टाइम लगता है विच इज 2 to 24 hours, 2 to 24 घंटे तक का टाइम लगता है इस रिजर्व कैपेसिटी को ऑपरेशन में लाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोल रिजर्व इज दैट रिजर्व कैपेसिटी विच इज अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन। तो इस तरह से जो रिजर्व कैपेसिटी है उसे स्टैंड बाय पे रखा जाता है टू मीट द पीक लोड डिमांड्स। यहाँ क्वेश्चन में हॉट रिजर्व के बारे में स्टेटमेंट दिया था दैट द इंस्टॉल्ड रिजर्व कैपेसिटी विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट प्लेस्ड इन सर्विस। तो इस तरह की रिजर्व कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हॉट रिजर्व। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। द लोड कर्व ऑफ अ सिस्टम इज शोन इन फिगर गिवन बिलो, द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज व्हाट। यहाँ पे हमें लोड वर्सेस टाइम कर्व गिवन है और हमसे लोड फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज लोड ड्यूरेशन कर्व। तो यहाँ पे अगर आप इस कर्व का टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो देगा हमें एवरेज लोड की वैल्यू। इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस टोटल एरिया को 3 parts में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये एरिया A1 है जहाँ पे आपको ये स्लांट लाइंस दिख रही हैं, डॉटेड वाला A2 ले लेते हैं और ये कर्व्ड लाइन वाला A3। तो यहाँ से A1 कैलकुलेट करेंगे, दिस साइड इज 100 - 10 मीन्स 90 और ये दिस साइड इज 1000। तो 90 × 1000 करेंगे ये हमारा आ जाएगा 90,000। इसी तरह से A2 कैलकुलेट कर लेंगे, A2 आप देख सकते हैं यहाँ से कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, तो 1/2 इनटू बेस है यहाँ
8760 माइनस 1000 और हाइट है 100 माइनस 10। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो A2 आएगा 34920 और लास्ट इज A3 दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो A3 कैलकुलेट करने के लिए आप 8760 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 87600। इन तीनों एरियाज को ऐड करने से हमें एवरेज लोड की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 526800। और हमें लोड फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मींस एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इस लोड ड्यूरेशन कर्व से हम मैक्सिमम डिमांड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरे रेक्टेंगल को देखेंगे तो ये पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिमांड। तो इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी 8760 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से हम मैक्सिमम डिमांड भी कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली एवरेज लोड की वैल्यू को और मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी 0.6013। और इसे जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 60.13%, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक लोड्स मे बी टेकन एज व्हाट? डोमेस्टिक लोड के लिए लोड फैक्टर की कितनी वैल्यू होती है जनरली? तो डोमेस्टिक लोड्स के लिए जो लोड फैक्टर की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, दैट इज बिटवीन 10 to 15%, क्योंकि डोमेस्टिक एप्लीकेशंस या रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस के लिए जो एवरेज लोड की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेजिडेंशियल लोड 24 आवर्स में बहुत कम टाइम के लिए ही एक्टिव होता है, जैसे कि लाइट्स अगर ऑन होंगे तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही एट द टाइम ऑफ नाइट कुछ आवर्स के लिए ही यूज होंगे, या कोई डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं तो उनका भी यूजेज कम ही टाइम के लिए होता है। इस वजह से जो एवरेज लोड की वैल्यू है वो कम हो जाती है और लोड फैक्टर 10 to 15% ही होता है इन केस ऑफ डोमेस्टिक लोड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर टू द सिस्टम मैक्सिमम डिमांड। देयरफॉर ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। डाइवर्सिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड विद मैक्सिमम डिमांड इज व्हाट? सिमिलर क्वेश्चन है अगेन। एज वी नो डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर टू द सिस्टम मैक्सिमम डिमांड। तो अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द सिस्टम मैक्सिमम डिमांड तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। देयरफॉर हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। इन पावर स्टेशन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर रिड्यूसेस मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जनरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शंस हैं डाइवर्सिटी फैक्टर अलोन इंक्रीजेस, बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीजेस, लोड फैक्टर अलोन इंक्रीजेस एंड बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर डिक्रीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि प्लांट का लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर पीक डिमांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और अगर इनकी वैल्यू हाई होती है तो पीक डिमांड इज लो, प्लांट कैपेसिटी भी कम होगी और प्लांट कैपेसिटी कम होने की वजह से जो इनिशियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का एक्सपेंडिचर होगा दैट विल ऑल्सो बी लो, और जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि लोड फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज लोड, तो अगर लोड फैक्टर की वैल्यू हाई है दैट मींस एवरेज लोड भी ज्यादा है, और एवरेज लोड ज्यादा होने का मतलब दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इज ऑल्सो हाई। एंड एज यू नो कि फिक्स्ड चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पीक डिमांड के
और यहाँ पीक डिमांड तो ऑलरेडी कम है और नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड जो हैं दे आर मोर, तो ये फिक्स चार्जेस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स. तो जो पर यूनिट कॉस्ट होगा, तो एक यूनिट का जो कॉस्ट हो जाएगा दैट विल बी रिड्यूस्ड, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिड्यूस हो जाएगा. देयरफॉर लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों की वैल्यू इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिड्यूस होगा. दैट मीन्स ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट? लोड कर्व के अंडर जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी कंज्यूम्ड. देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ अ पावर सप्लाई सिस्टम मे बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 40 मेगावाट टू 8 मेगावाट. द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज व्हाट? इस क्वेश्चन में हमें एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करके नहीं दिया गया है. तो हम इस इन्फॉर्मेशन से पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द लोड एंड टाइम इन आवर्स. तो ये होगा हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व. ये लोड एक्सिस है जहाँ पे 40 मेगावाट मैक्सिमम लोड है और दिस इज द टाइम एक्सिस एंड द टाइम इज इन आवर्स. क्योंकि ये एनुअल लोड कर्व है तो यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज विच इज इक्वल टू 8760 आवर्स. तो जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं दैट इज 8760. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 मेगावाट से 8 मेगावाट तक एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है. अब यहाँ से हमें लोड फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लोड कर्व का एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो वहां से हमें मिलेगा एवरेज लोड. A1 इज अ ट्रायंगल और यहाँ जब आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. दैट मीन्स 1/2 इनटू बेस इज 8760 एंड हाइट इज 40-8 इक्वल टू 32. और सेकेंड एरिया जो है A2, दिस इज अ रेक्टेंगल. तो जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 8 × 8760. और इन दोनों एरियाज को ऐड करके हमें एवरेज लोड की वैल्यू मिल जाएगी. और नेक्स्ट हमें चाहिए मैक्सिमम डिमांड. मैक्सिमम डिमांड हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द टोटल एरिया ऑफ दिस कंप्लीट रेक्टेंगल विल बी 40 × 8760. ये है मैक्सिमम डिमांड. लोड फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज लोड की और मैक्सिमम लोड की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे. लोड फैक्टर इज एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड. A1 की वैल्यू है 1/2 इंटू 8760 इंटू 32 प्लस A2 है 8 × 8760 एंड दिस डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड 40 × 8760. तो यहाँ 8760 कॉमन है दोनों में, इसे कैंसिल कर देंगे. तो फाइनली जो लोड फैक्टर की वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज 1/2 इंटू 32 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 40. और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली लोड फैक्टर की वैल्यू आपके पास आएगी 0.6. और इसे परसेंटेज में आप कैलकुलेट करेंगे तो लोड फैक्टर आएगा 60%. ऑप्शन सी 60% इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल स्केड्यूल? इलेक्ट्रिकल स्केड्यूल के बारे में पूछा गया है और नीचे तीन स्टेटमेंट्स गिवन हैं. ए सेज अ लिस्ट और अ प्लान ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम. बी सेज द लिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर रूम. सी सेज द लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अलोंग विद देयर प्राइसेस. तो जो इलेक्ट्रिकल स्केड्यूल होता है That is a plan of building providing information of number of points in each room. Electrical schedule एक building का plan होता है जिसके अंदर building के हर एक room में कितने number of points देने हैं ये information provide की जाती है. इसी को कहते हैं electrical schedule. यहाँ options हैं
ऑप्शन ए कहता है ओनली ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी दोनों ही गलत हैं, सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है. देयरफॉर ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. नेम द जनरेटिंग स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू स्टीम. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पूछा गया है कि कौन से जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टीम के थ्रू जनरेट किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर स्टेशंस में बॉयलर के अंदर पानी को हीट किया जाता है जिससे स्टीम प्रोड्यूस होता है, और इस स्टीम को फिर टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये टर्बाइन आगे जनरेटर से कनेक्टेड होती है जहां से हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है. तो इस तरह से थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर स्टीम को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करवाया जाता है. सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट. डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल कनेक्टेड लोड. और जो टोटल कनेक्टेड लोड होता है दिस इज मोर देन द मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम. देयरफॉर डिमांड फैक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. देयरफॉर ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. एज पर IE rules, the minimum allowable variation between declared and actual frequency at consumer's premises should be what? पूछा गया है कि according to the IE rules, consumer end पे frequency में कितना variation हो सकता है? Means, consumer end पे जो actual frequency हमें मिल रही है, वो declared frequency से कितना percent vary कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ±3%. डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज से ±3% का वेरिएशन परमिसिबल है, और 6% वेरिएशन जो है परमिसिबल है इन केस ऑफ वोल्टेज. कहने का मतलब कि जो डिक्लेयर्ड वोल्टेज है उससे जो एक्चुअल वोल्टेज कंज्यूमर को मिल रही है वो ±6% से वेरी कर सकती है एज पर IE रूल्स. तो अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर है ±3%, और अगर क्वेश्चन में वोल्टेज के रिगार्डिंग पूछा है तो आंसर होगा ±6%. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. अ कंज्यूमर इज ऑफर्ड द फॉलोइंग रेट ऑफ टैरिफ. ही हैज टू पे फिक्स चार्ज ऑफ ₹1000 पर मंथ एंड अ रनिंग चार्ज ऑफ ₹4.5 पर यूनिट कंज्यूम्ड. एक कंज्यूमर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कुछ इस तरीके से है कि फिक्स चार्जेस उसको 1000 पर मंथ पे करना पड़ रहा है, और रनिंग चार्जेस ₹4.5 पर यूनिट वो पे करता है. इफ द कंज्यूमर रन्स अ मोटर लोड ऑफ 1 kW एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 15 आवर्स पर डे देन हिज एनुअल बिल इज व्हाट. फिक्स चार्जेस गिवन है 1000 पर मंथ, राइट. हमें उसका एनुअल बिल कैलकुलेट करना है. तो अगर एक महीने के फिक्स चार्जेस 1000 हैं, तो एक साल यानी कि 12 महीने के जो फिक्स चार्जेस हो जाएंगे दैट विल बी 12 × 1000 मीन्स ₹12,000 पर ईयर. और जो रनिंग चार्जेस हैं कंज्यूमर के दैट आर ₹4.5 पर यूनिट. और क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 1 kW 0.85 PF लैग की एक मोटर को 15 आवर्स पर डे रन किया जाता है, दैट मीन्स जो एनर्जी कंजम्पशन होगा पर डे दैट विल बी 1 kW इंटू 15 आवर्स मीन्स 15 kWh पर डे का एनर्जी कंजम्पशन होगा. तो अगर एक दिन में 15 kWh का कंजम्पशन है तो एक साल में 15 × 365 kWh का कंजम्पशन होगा, और हमें कैलकुलेट करना है एनुअल बिल. तो जो टोटल चार्जेस होंगे दैट विल बी फिक्स चार्जेस प्लस रनिंग चार्जेस. और जो फिक्स चार्जेस हैं वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक साल में ₹12,000 होंगे फिक्स चार्जेस.
और रनिंग चार्जेस होंगे टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन वन ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ वन यूनिट जो कि गिवन है 4.5 रुपीस. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग जो टोटल चार्जेस हमें मिलेंगे दैट विल बी 36,637.5 रुपीस. और यहाँ ऑप्शन बी में गिवन है रुपीस 36,637.5. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स फैंस एंड सॉकेट आउटलेट्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सब सर्किट इज इक्वल टू व्हाट. पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ ISI किसी एक सब सर्किट में लाइट्स फैन और सॉकेट के कितने पॉइंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम. तो किसी सब सर्किट में जो मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10. 10 से ज्यादा पॉइंट्स किसी सब सर्किट में नहीं दिए जा सकते. सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. बेस लोड ऑफ पावर स्टेशन स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी आवर्स. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए 12 to 24 hours. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. What is the maximum load that can be connected in a circuit connecting only lighting points? सिर्फ lighting points को किसी circuit में connect करने से maximum load कितना हो सकता है? The correct answer here is 800 watts. सिर्फ lighting loads connect करने से जो maximum load है that can go up to 800 watts. Next is question number 37. What is the maximum number of lighting points that can be connected in a circuit? पहले भी एक क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सब सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हो सकते हैं. फिर चाहे उसमें आप वो 10 पॉइंट लाइट फैन और सॉकेट तीनों को कंबाइन करके दे दीजिए या फिर सिर्फ लाइटिंग पॉइंट्स के लिए दे दीजिए, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो रहेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी used for current rating in power installation. Current rating के लिए factor of safety की value कितनी होनी चाहिए? So according to the Indian electricity rule, जो current rating के लिए factor of safety की value होनी चाहिए that is equal to 2. Option D here is the correct answer. Next is question number 39. Dash should be provided as working space around the main switchboard according to India electricity rule 51. पूछा गया है कि रूल नंबर 51 के अकॉर्डिंग किसी मेन स्विच बोर्ड के अराउंड कितना वर्किंग स्पेस छोड़ा जाना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए 0.914 मीटर. मींस अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का जो डिस्टेंस है किसी भी मेन स्विच बोर्ड के फ्रंट में 1 मीटर तक का क्लियर स्पेस होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. हाउ मेनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन अ पावर सर्किट. पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वहां हमने डिस्कस किया था कि किसी सब सर्किट में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स परमिसिबल हैं. तो किसी सब सर्किट में 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है मैक्सिमम हो सकते हैं. और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पावर सर्किट में मैक्सिमम आउटलेट्स कितने होने चाहिए. तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2 पॉइंट्स. पावर सर्किट के लिए जो परमिसिबल आउटलेट्स हैं दैट इज इक्वल टू 2. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आज की क्लास में 40 क्वेश्चंस तक ही हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम जो लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपके प्रिपरेशन में बेनिफिशियल हो रहे होंगे. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.